के एपिसोड्स के साथ होगी मस्ती टाइम सिर्फ पोगो यूट्यूब चैनल पर। तूफानी ये है एक सींग नक्षत्र। ये वो समय है जब हजारों साल बाद आसाम में इच्छाधारी गेंडे का जन्म होगा और जिसके पास वो गेंडा होगा वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बन जाएगा। क्या बात कर रहे हैं महाराज, मगर इतने गेंडों में वो इच्छाधारी गेंडा पहचान में कैसे आएगा महाराज? आसान है जी, इच्छाधारी गेंडे के सींग में सुनहरे रंग की जगमगाहट होगी। अब हमें उस इच्छाधारी गेंडे को जल्द से जल्द पकड़ना होगा और फिर मैं इस दुनिया का सबसे ताकतवर असुर बन जाऊंगा और फिर क्रिस की छुट्टी कर दूंगा। गेंडे तो काजीरंगा नेशनल पार्क में भी मिलते हैं महाराज। जानता हूँ, काजीरंगा चलने की तैयारी कर दे। ये है मेरा नया तोड़ू आविष्कार, गेंडा मास्टर G9। ये एक रोबोटिक गेंडा है। कनिष्क महाराज, कहीं दिखाई दे रहा है इच्छाधारी गेंडा? मिलेगा जी, जरूर मिलेगा। आखिर हमसे बच के कहाँ जाएगा? क्या हुआ? किसने गोली चलाई? पता नहीं महाराज, लगता है यहाँ से निकल जाने में ही भलाई है। आखिर सारे गेंडे मेरी गिरफ्त में आ ही गए, अब मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। इतनी भी क्या जल्दी है कर्नल रायना? महाराज जल्दी उठिए, यहाँ पर तो बड़ा वाला बवाल होने वाला है। इनको लड़ने दीजिए, हम पीछे से इच्छाधारी गेंडा लेके निकल लेंगे। तो ये है वो इच्छाधारी गेंडा, इस पर अब सिर्फ मेरा हक होगा। पहले मेरे दोस्तों से तो निपट लो गेंडा सर। तूफानी सर, मुझे बचाओ नहीं तो वो मुझे खा जाएगा। डायनासोर फालतू की मस्ती छोड़ो और पढ़ाई पर ध्यान दो, समझ गए? क्रिस, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। जी सर, समझ गया, पर वो आदि मानव वाला जमाना सबसे बेस्ट था, बस खाओ पियो और मस्ती करो। महाराज, क्रिस ने अभी कहा कि काश वो आदि मानव वाले जमाने में जा सकता है, कितना अच्छा होगा अगर हम उसकी ये इच्छा पूरी कर दें तो। जिंगा मिंगा गुल गुल पो, क्रिस की इच्छा पूरी हो।
बन गए हैं। मैं आ गया दोस्तों, और देखो मैं क्या लाया हूँ। ये क्रिसमस। ओ बज़िंगा। बज़िंगा। अरे क्या हुआ? आइडिया। हाय। Musty time. अब आ रहा हूँ पहाड़ के नीचे। ये डायनासोर भी एक नंबर का पिड्डी निकला। जे के बच्चे, ये घटिया प्लान तेरा ही था ना बेवकूफ कहीं के। इसको आदि मानव के जमाने में भेज दे महाराज। नहीं महाराज, मुझे मत मारिए महाराज। दूर हटो। मस्ती टाइम के लिए करो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और प्रेस करो बेल आइकन।